चलो दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बाइन की। तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन का, वो क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजो कंपाउंड्स। मेन इम्पोर्टेंट मतलब देखिए, बनाने का जो है कार्बाइन बनाने का वो यही है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल कैटालाइज डिकम्पोजिशन हो सकता है। मतलब कि जो डाइजो कंपाउंड्स हैं, बेसिकली हम डाइजो कंपाउंड्स क्या लिखते हैं, दीज आर द डाइजो कंपाउंड्स। इनसे जो कार्बिन बनाने का मेथड है, यहाँ पे हम फोटोकेमिकली भी करा सकते हैं, थर्मली भी करा सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल कैटालाइज्ड भी करा सकते हैं। ये डिकम्पोज होगा तो आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, ये देगा कार्बिन विथ द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होकर निकल जाएगा। ट्रांजिशन मेटल कैटालाइज्ड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शंस में यही दिया जाता है। तो कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल आप ले सकते हो? देखिए, कॉपर का सॉल्ट ले सकते हो, कॉपर हैलाइड, कॉपर एसीटेट, कॉपर ट्रिफलेट, रोडियम एसीटेट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड ले सकते हो, सिल्वर का सॉल्ट ले सकते हो, ये सब ट्रांजिशन मेटल कैटालाइज रिएक्शन होंगे जिससे ये रिएक्शन हमको डिकम्पोजिशन होगा और कार्बिन जनरेट होगा। तो इसको बनाते हैं हम लोग, एक एक करके पढ़ते हैं कैसे कैसे डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। इसको बनाइए, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं जितने भी अपने पास। देखो सबसे पहले जो हम हैं डाइजोमेथेन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे तो देखो क्या मिलेगा, मेथिलीन कार्बिन आपको मिलेगा। ये कैसे मूव कर रहा है देखिए, ये जब टूटता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस और एच नहीं आता, ये बॉन्ड क्या होगा इस पर शिफ्ट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, कार्बन प्लस नाइट्रोजन गैस। ऐसे ही आप डाइजो कंपाउंड ले सकते हैं, एसाइल डाइजोनियम डाइजो कंपाउंड ले सकते हैं। देखिए एसाइल डाइजोनियम कंपाउंड कैसे लेते हो, आर सी ओ सी एच एन टू। इस पर फोटोकेमिकल थर्मल जो कराना है आप उनमें से कोई यूज कर सकते हो, फोटोकेमिकल करा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, एसाइल कार्बिन प्लस नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो ये टूटेगा तो आपको देगा प्लस नाइट्रोजन गैस। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेथड है जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं डाइजोनियम कंपाउंड, जो डाइजो कंपाउंड्स हैं। ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट मेथड यही होता है कार्बिन बनाने का, और भी मेथड है, एक एक करके बात करते हैं। पहले इसको बना लिया जाए, ठीक। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड है फ्रॉम कीटीन। कार्बिन हम लोग कीटीन से भी जनरेट कर सकते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड में आएगा कीटीन से बनाने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए कीटीन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज आर द कीटीन। इनको जब फोटोकेमिकल ट्रीटमेंट करोगे, फोटोकेमिकल, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बिन प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब फोटोकेमिकली बेसिकली कैसे टूटा होगा, देखिए होमोलिटिक क्लीवेज हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इधर का इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इस साइड और एक इस साइड, और आपको क्या मिला,
कार्बिन मिला प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये कीटीन सा बना सकते हो। कीटीन कैसे बनता है? कीटीन देखिए जो बनता है, कीटीन का फॉर्मेशन है, इसके बारे में एक सेंटरमीट हम लोग पढ़ेंगे, वॉल्फरी अरेंजमेंट में होता है। जब एसाइल कार्बिन रीअरेंजमेंट करता है, ये जो एसाइल कार्बिन है, तो आपको क्या मिलेगा, ये इधर से माइग्रेट करके ये वॉल्फ टाइप का रीअरेंजमेंट है, हमको मिलता है आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, कीटीन मिले। और इससे कीटीन को हम ट्रीट कर देंगे एचएनयू के साथ, तो आपको क्या, या थर्मली डिकम्पोज भी कर सकते हो, ये थर्मल डिकम्पोजिशन भी कर सकता है। एचएनयू डालोगे आपको कार्बिन जनरेट होगा। ठीक, इसको बनाते चलिए। एक और रिएक्शन है, इससे बताना है कौन सा कार्बिन जनरेट होगा। अगर इसमें अच्छे नहीं डालें तो देखो, ये सबसे पहले आपको जो बना के देगा वो एक फाइव मेंबर्ड कीटीन होगा। ठीक है, ये सिक्स मेंबर था, एक फाइव मेंबर्ड कीटीन होगा। ठीक, फिर इसमें एचएनयू पड़ेगा तो हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा हमको। ठीक, तो इसको बना लीजिए। तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड की बात करेंगे, दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड है फ्रॉम इपॉक्साइड, फ्रॉम इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है? साइक्लिक ईथर्स को हम लोग इपॉक्साइड बोलते हैं। ठीक, तो इपॉक्साइड से चलिए हम लोग करते हैं कि इपॉक्साइड से कैसे बनेगा अपना कीटीन। इसको भी एचएनयू के साथ ट्रीट कर दीजिए, एचएनयू के साथ ट्रीट कर देंगे तो आपका बनता चला जाएगा। तो एक लाइन से बनाते हैं कैसे एचएनयू ट्रीट करेंगे। एचएनयू से ट्रीट करोगे तो जो ये बॉन्ड पेयर है, एक इधर एक इधर, ये इस पे और ये इस पे, हमें क्या मिलेगा, R प्लस एक कीटो, ये आपको मिलेगा कार्बिन प्लस कीटो। इसको बना डालिए, इपॉक्साइड से भी बना सकते हैं हम। फोर्थ मेथड है फ्रॉम डाई एजरीन से, इसमें कैसे बनेगा, इसको जब एचएनयू से ट्रीट करोगे तो हमें मिलेगा प्लस N2 गैस। ये मेन इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम लोग कार्बिन को जनरेट करते हैं। तो इसको बना लिया जाए पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए।